हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी वैक्सीन के बारे में जो गर्भावस्था के दौरान हर महिला को लगती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टीटी या फिर टीडी की जो वैक्सीन होती है उसके बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ये वैक्सीन कब लगती है, क्यों लगती है, कितनी डोज इसकी दी जाती है और कहाँ पे ये लगाई जाती है, इसके क्या फायदे होते हैं। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो चीजें देखी हुई, तो टीटी लिखा है, एक टीडी लिखा है। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि टीटी क्या है और टीडी क्या है, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? अगर हम बात करते हैं टीटी की, तो टीटी का फुल फॉर्म होता है टेटनस टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड। और बात करते हैं टीडी की, तो टीडी का फुल फॉर्म होता है टेटनस डिप्थीरिया टॉक्साइड। अब इन दोनों में क्या अंतर है, साफ पता चल रहा है। टेटनस टॉक्साइड मतलब टीटी, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक रोग से बचाव करने का काम कर रहा है। कौन सा रोग? टिटनेस। तो पहले क्या था कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होती थी उनको टीटी का वैक्सीन लगता था जो सिर्फ टिटनेस से बचाने का काम करता था। अब क्या है कि इसको मॉडिफाई करके टीडी कर दिया गया है। तो टीडी में क्या है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है टिटनेस और दूसरा है डिप्थीरिया। तो अब जो टीडी वैक्सीन लग रही है ये किसी भी गर्भवती महिला को टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों से बचाने का काम करती है। आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान उसके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो छोटे छोटे उसको इन्फेक्शन होते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं टिटनेस की और डिप्थीरिया की, तो ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण जल्दी अपीयर नहीं होते हैं, जल्दी नहीं दिखते हैं, और इनका जो संक्रमण होता है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो माँ होती है और उसे गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है, उन दोनों के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इस इन्फेक्शन से, इस संक्रमण से बचाने के लिए पहले ही जो महिला होती है उसको टीडी का वैक्सीन लगा दिया जाता है, क्योंकि जब महिला को कोई इन्फेक्शन होगा तो उसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ेगा। तो जब महिला को हम टीडी वैक्सीन दे देते हैं गर्भावस्था के दौरान, तो उसके शरीर में कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी विकसित हो जाती है टिटनेस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट। इसके साथ ही जब हम महिला को वैक्सीन दे रहे हैं तो उसका जो प्रभाव है वो बच्चे पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो वैक्सीन जो एंटीबॉडीज हम दे रहे हैं महिला को वैक्सीन के रूप में, ये वो बच्चे तक भी पहुंच जाती है। मतलब कि ये टू इन वन काम कर रही है, पहला तो माँ को भी प्रोटेक्ट कर रही है डिप्थीरिया और टिटनेस के संक्रमण से, साथ ही जो बच्चा है उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको ये वैक्सीन लगाई जाती है ताकि वो डिप्थीरिया टिटनेस का जो भी संक्रमण है उससे खुद तो बची ही रहे, साथ ही उसका जो बच्चा है वो भी इस संक्रमण से बचा रहे। इसके अलावा एक और अच्छी बात ये होती है कि अगर कोई महिला गर्भावस्था के दौरान टीडी का वैक्सीन ले लेती है, तो जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के बाद के कुछ दिनों तक जो बच्चे के अंदर टिटनेस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होते हैं वो अपना वर्क करते रहते हैं, इसलिए बच्चे को जन्म के बाद भी टिटनेस या डिप्थीरिया का कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, वो उससे बचा रहता है। और इसके बाद जैसे ही बच्चा 6 वीक का होता है तो वैसे ही पेंटा के डोज में उसको फिर डिप्थीरिया और टिटनेस की जो वैक्सीन है वो लग जाती है। तो इस तरह से अगर कोई भी महिला गर्भवती है तो उसको ये वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इस वैक्सीन के थ्रू वो अपना और अपने बच्चे का दोनों का बचाव कर सकती है। तो आप सभी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो इस वैक्सीन को जरूर लें, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर भ्रांतियां अब भी हैं कि इस वैक्सीन के बहुत साइड इफेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप टीडी का वैक्सीन कब लें, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कब हम ये वैक्सीन लगवाएं। तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चले आप तुरंत ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। जैसे अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है जिसको हम बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, पहली बार आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उस दौरान जैसे ही आपको पता चले आप तुरंत टीडी की फर्स्ट डोज ले सकती हैं, फर्स्ट डोज
ले सकती हैं। आपके नजदीकी कोई भी सब सेंटर है, मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कहीं पे भी जाके आप इस वैक्सीन को लगवा सकती हैं। इसके साथ ही जो नॉर्मली आपके एग्जामिनेशन होने चाहिए वो भी हो जाएंगे, आपका एनसी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। और जैसे अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान कुछ जांचें होती हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो भी आसानी से हो जाएंगे, आपका फर्स्ट हॉस्पिटल विजिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो टीडी की फर्स्ट डोज होती है वो जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है वैसे ही लगवा लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने पहले प्रेगनेंसी से पहले टीडी की डोज ली हुई है, जैसे बहुत लोग जागरूक होते हैं कि वो हर 6 महीने पे साल भर पे टीडी की वैक्सीन लगवाते रहते हैं जिससे वो टिटनेस से होने वाले संक्रमण से बचे रहें, तो अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव करने से 6 महीने या फिर 1 साल पहले टीडी की वैक्सीन ली है तो आप थोड़ा सा लेट कर सकती हैं। मतलब कि आप 10 से 12 सप्ताह के बीच में भी अगर टीडी की फर्स्ट डोज ले रही हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो टीडी वैक्सीन होती है ये हमारे शरीर में कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति भी इसको ले रहा है तो उसके अंदर भी 6 महीने तक ये एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, आपने पहले ये डोज ले रखी है प्रेगनेंसी से पहले, तो प्रेगनेंसी जैसे आप कंसीव कर रही हैं 3 महीने के अंदर आप कभी भी इसको लगवा सकती हैं। लेकिन अगर आपने नहीं ली है ये डोज कभी भी, तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, आपको पता चल रहा है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, वैसे ही आप हॉस्पिटल विजिट पे जाइए और इस डोज को लीजिए, क्योंकि ये जो टीडी की वैक्सीन होती है ये आपके और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो फर्स्ट डोज तो हमने कंप्लीट कर ली, अब सेकेंड डोज हम कब लेंगे? जैसे क्या है कि अगर हम फर्स्ट डोज की बात करें, तो मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसने फर्स्ट जो डोज 15 जुलाई 2022 को ली, तो अब वो सेकेंड डोज कब लेगी? तो सेकेंड डोज ये लेती है पहले डोज के 1 महीने के बाद। तो पहले डोज उसने कब ली? 15 जुलाई को। तो दूसरी डोज कब लेगी? 15 अगस्त को। अभी जो 15 अगस्त है इसमें 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि पहली डोज के 1 महीने बाद दूसरी डोज लगती है। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान 2 डोज टीडी की लगती है, और किस तरह से लगती है वो भी मैंने आपको बता दिया। पहली डोज जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले, और सेकेंड डोज फर्स्ट डोज के 1 महीने बाद। तो गर्भावस्था के दौरान 2 डोज लगती है अगर आप पहली बार मां बन रही हैं तो उस दौरान, वहीं पे अगर मान लीजिए आप दूसरी बार मां बन रही हैं, अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है और ये प्रेगनेंसी पहले बच्चे के बाद, मान लीजिए किसी का बच्चा है, पहला बच्चा है और उसके बाद दूसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई, तो पहली प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में अगर 3 साल का अंतर है, अगर 3 ईयर गैप है, तो ऐसी महिला को क्या होगा कि टीडी की 2 डोज लगेगी, यही शेड्यूल रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो महिला है पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, मतलब कभी भी जो उसकी करंट की प्रेगनेंसी है, उसके पहले की जो प्रेगनेंसी है, अगर वो 3 साल के अंदर की है, मतलब कि साल भर, 1.5 साल, 2 साल या 2.5 साल के अंदर ही वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, तो उस दौरान उसको जो टीडी की वैक्सीन होगी वो ये डोज नहीं लगेगी। फिर क्या होगा? फिर उसको सिंगल डोज लगेगी, जिसको हम बोलते हैं बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज कब लगेगा? जब किसी भी महिला की जो पहले की प्रेगनेंसी है और करंट की प्रेगनेंसी है, इन दोनों के बीच में अगर 3 साल से कम का अंतर है तो उसको क्या लगेगा? बूस्टर डोज लगेगा। लेकिन अगर 3 साल का अंतर है तो फिर क्या लगेगा? दोनों डोज लगेगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर किसी महिला का मान लीजिए एबॉर्शन हुआ है और एबॉर्शन होने के 2-3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, या फिर किसी महिला का आईओडी हुआ है, आईओडी होने के साल भर या 1.5 साल बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उस दौरान उसको क्या लगेगा? बूस्टर डोज लगेगी। लेकिन अगर किसी महिला का मान लीजिए आईओडी हुआ है या फिर स्टिल बर्थ हुआ है या फिर सिजेरियन के थ्रू उसका ऑपरेशन के थ्रू उसका बच्चा हुआ है और वो 3 साल के बाद माँ बन रही है, तो फिर उसको कौन सी डोज लगेगी? फिर उसको फर्स्ट सेकेंड दोनों डोज लगेगी। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर कोई भी महिला है वो अपनी पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में 3 साल से कम का अंतर रखती है, वो 3 साल से पहले ही मां बन जा रही है, तो उस दौरान उसको क्यों बूस्टर डोज लगेगा?
ये दोनों डोज क्यों नहीं लगेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर गर्भावस्था के दौरान कोई भी महिला को ये वैक्सीन लगती है तो ये वैक्सीन अगले 3 साल तक टिटनस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करती है, उसको टिटनस या डिप्थीरिया से बचाने का काम करती है। इसीलिए अगर कोई महिला 3 साल के अंदर ही माँ बन जाती है, पहली गर्भावस्था से लेकर दूसरी गर्भावस्था के बीच अगर 3 साल से कम का अंतर रहता है तो उसको बूस्टर डोज दी जाती है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही जो डिप्थीरिया और टिटनस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप रहती हैं, इसलिए उसको बूस्टर डोज दी जाती है। लेकिन अगर कोई महिला अपनी पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में 3 साल से अधिक का अंतर रखती है तो फिर उसको दोनों डोज दी जाती है, क्योंकि उसके अंदर फिर से नई एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो टिटनस डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे सारे सवालों के जवाब मिल गए, आपको पता चल गया कि टिटनस का जो टीका होता है वो माँ के लिए क्यों जरूरी होता है और ये कब लेना चाहिए और इसकी कितनी डोज लगती है। अब बात आती है कि ये वैक्सीन कितनी दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है और कैसे दी जाती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ये कितनी दी जाती है, अगर हम बात करते हैं इसकी डोज की, तो ये दी जाती है 0.5 ml, दोनों डोज में इतना ही रहेगा, फर्स्ट डोज में यही रहेगा, सेकेंड डोज में भी यही रहेगा, और अगर बूस्टर डोज लग रही है तो उसमें भी क्या होगा, 0.5 ml ही टीडी की वैक्सीन रहती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके रूट की, ये कहाँ पे दी जाती है, तो ये हम दो रूट पे दे सकते हैं, दो जगह पे दे सकते हैं। कहाँ कहाँ पे, एक तो दे सकते हैं डेल्टॉइड मसल्स में, डेल्टॉइड मसल्स में, और दूसरा दे सकते हैं ग्लूटियल मसल्स में। डेल्टॉइड मसल्स कहाँ होती है, ये अपर आर्म में होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो यहाँ पे इंजेक्शन लगवाना ज्यादा सुटेबल समझती हैं, तो ये डिपेंड करता है उस महिला के ऊपर जो गर्भवती है, चाहे तो वो कमर में लगवा सकती है, चाहे तो वो बांह में लगवा सकती है। तो कहाँ पे लगेगा, ये अपर आर्म में, डेल्टॉइड मसल्स में लगता है, और ग्लूटियल मतलब कमर में, कहाँ पे लगेगा, कमर में भी ग्लूटियल मसल्स के पास लगता है। जैसे अगर बात करें ये कितने एंगल पे लगता है, तो ये लगता है 90 डिग्री एंगल पे ये लगता है। और ये कैसे दिया जाता है, ये आईएम दिया जाता है, मतलब इंट्रा मस्कुलर में ये दिया जाता है। ये मैंने यहाँ पे बताया था कि जो डेल्टॉइड मसल्स होती है उसमें इंट्रा मस्कुलरली हम क्या करते हैं, इस वैक्सीन को देते हैं। कितना देते हैं, 0.5 ml देते हैं। कितनी डिग्री पे एंगल पे देते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको लगवाने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि इसको लगवाने के बाद जो एरिया होता है वहां पे दर्द हो जाता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, तो ये नॉर्मली 2 से 4 दिन या किसी किसी को 1 हफ्ते तक रहता है, लेकिन फिर ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये वैक्सीन जो होती है थोड़ा सा हार्ड होती है, इसीलिए इसको लगवाने के बाद उस एरिया में स्वेलिंग, रेडनेस और साथ ही दर्द रहता है। लेकिन जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको इसके लिए किसी भी तरह की पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये पेन किलर आपके और आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है। कोशिश करिए कि अपने आप ठीक हो जाए। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, इसके लिए आप जो आइस होती है, बर्फ होती है, उसे सेकाई कर सकती हैं, या फिर ठंडे पानी से भी उस एरिया को दिन भर में 4 या 5 बार धो सकती हैं, इससे बहुत जल्दी ठीक होता है। कभी भी इसको गर्म पानी से सेकाई नहीं करनी चाहिए। जितनी भी वैक्सीन होती है, चाहे वो बच्चे को लगे, चाहे फिर एडल्ट को लगे, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को लगे, सभी को जो वैक्सीन होती है उसको हमेशा ठंडे पानी या फिर बर्फ से ही धुलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो टीडी की वैक्सीन होती है वो क्यों लगती है, कब लगती है, कैसे लगती है, किस रूप में लगती है, कितनी डोज में लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।